सारी दुनिया तो एंजल वाले ताहिर शाह का मजाक उड़ा ही चुकी थी, लेकिन जब स्मैशिंग क्यूरी वरुण धवन ने उनका चोगा ओढ़ा तो ताहिर को गुस्सा आया। मन ही मन में लड्डू फूटे होंगे, क्योंकि वरुण ने तो एंजल बनकर उनको पब्लिसिटी दिला दी। वरुण ने कपिल के शो पर पाकिस्तान के वानबी सिंगर ताहिर शाह के गाने एंजल का मजाक उड़ाया। वरुण ने अपने कंधों पर पंख लगाए और ताहिर शाह ऐसे ही काउन के साथ डांस मूव्स भी किए। ऑडियंस जस्ट कुडंट कंट्रोल देयर। क्या बात कर रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू से दैट वरुण वाज इमिटेटिंग ताहिर शाह फॉर पब्लिसिटी? आई थिंक ताहिर शाह के लिए ना वरुण एंजल बन के आ गए थे एंजल की तरह, और उनको इतनी पब्लिसिटी मिल गई। वरुण डजंट नीड अ ताहिर शाह। ताहिर का गाना एंजल सभी के एक मजाक का विषय ऑलरेडी बना हुआ था, बट वरुण टुक द स्पूफ टू एन ऑल टाइम हाई। वरुण का ये स्पूफ मिनटों में वायरल हो गया और रणवीर सिंह हिज पार्टनर इन क्राइम आल्सो कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन ट्विटर। Varun was quite funny when unhone gown pehna. Now you know I'm waiting for Ranveer to do an angel like Tahir Shah. Kya maza aayega? Ek purple gown pehen ke aise lambe lambe baal aur lipstick. Come on Ranveer. ताहिर शाह वरुण पर आग बबूला हो गए हैं। अपेरेंटली वरुण के इस स्पूफ को दिखाने के लिए ताहिर शाह से चैनल ने राइट्स मांगे, तब ताहिर ने राइट्स देने से मना कर दिया। यानी एंजल अब अपनी एंजलगिरी भूलकर दादागिरी पर उतर आए हैं। शायद ताहिर भूल गए हैं कि ही इज नॉट अ पॉप सिंगर, जिन्हें शायद तभी लाइमलाइट मिलेगा जब उन्हें ए ग्रेट बॉलीवुड सेलेब्स नोटिस करेंगे। ताहिर माइट बी अपसेट विद वरुण फॉर मेकिंग हिम मोर फेमस देन ही इज, पर वरुण के इस मस्तीखोर अंदाज से ये तो पता चला है कि मूवी प्रमोशंस करनी हो तो यू Have to think out of the box. पहली बात तो ताहिर शाह दुनिया को सिखाते हैं कि प्यार करो आपस में, खुश रहो, ये दुनिया में वो आए हैं सबको प्यार बांटने के लिए, और अब बस इतनी सी बात पे उनको वरुण पे गुस्सा आ गया। अरे यार, आप लिपस्टिक लगाते हो, हेयर स्टाइल चेंज करते हो, गाउन पहनते हो, यू शुड बी हैप्पी दैट वरुण ने आपको इतना और फेमस कर दिया। वरुण के दोस्त रणवीर सिंह भी ऐसे उटपटांग हरकतों के लिए फेमस है। पिछले दिनों रणवीर पेरिस में थे और वहाँ सलमान खान की फिल्म सुल्तान का शो चल रहा था, तब रणवीर ने ओवर एंथुसियाज्म में सुल्तान फिल्म के गाने पर इम्प्रॉम्प्टू डांस शुरू कर दिया। थिएटर के स्क्रीन के सामने रणवीर ने नाचना शुरू किया बिल्कुल बेफिक्र होकर। रणवीर दरअसल अपनी फोर्थकमिंग फिल्म बेफिक्री का सटल बट नॉट सो सटल प्रमोशन कर रहे थे, क्योंकि लोग सलमान की फिल्म सुल्तान भूल गए और रणवीर के डांस को देखने लग गए। That is a perfect case of stealing the thunder from the Sultan of Bollywood. Apparently, Salman Ranveer ke is promotional gimmick se upset ho gaye aur unhone reportedly kaha ki main Ranveer ke sar par chair todna chahta hu. Agar tum film dekhne aaye ho to film dekho, nacho mat, isse film disturb hoti hai. Salman ne ye tak mazak mein keh dala ki log film Sultan nahi Ranveer ko dekh rahe the aur is baat ke liye humne Ranveer se paise lene chahiye. एंड रणवीर तो जाके पेरिस में नाच उठे सुल्तान के गाने पे, लेकिन सलमान भी तो नेले पे दैला है। क्या कहा, मैं रणवीर के सर पे कुर्सी मारूंगा। वाह, नाउ दिस इज व्हाट आई लव अबाउट द बैड बॉयज। लेकिन सलमान खुद रणवीर की तरह अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए बैड बॉय इमेज का कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। सलमान सुल्तान की प्रमोशन के दौरान अपने रेप कमेंट को लेकर अच्छी भली कंट्रोवर्सी से पब्लिसिटी बटोर ली। विमेन्स राइट एक्टिविस्ट नाराज हो गए, पर सलमान ने माफी नहीं मांगी। ही न्यू दैट सुल्तान के रिलीज तक उन्हें खबरों में ही रहना है। स्टार्स जितने नॉटी होते हैं और मिसबिहेव करते हैं उतनी ही उनकी इमेज के लिए अच्छा होता है। सलमान को ही देख लो, एक कमेंट एंड नो सॉरी आई विल नॉट अपोलोजाइज हैज गॉटन हिम सो मच ऑफ ग्रेट पब्लिसिटी। आई एम नॉट सेइंग ही प्लान्ड इट। वरुण, सलमान, शाहरुख, आमिर और रणवीर जैसे स्टार्स अपने फिल्म्स को लाइमलाइट में रखने के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट कर देते हैं। होपफुली सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ जैसे पॉपुलर बट लो प्रोफाइल स्टार्स भी इन नॉटी स्टार्स से टिप्स जरूर लेंगे, बिकॉज बैड पब्लिसिटी इज ऑलवेज गुड एंड नो पब्लिसिटी।
This is the problem, you see. Suraj Pancholi, Tiger Shroff, Siddharth Malhotra, they are as talented, they are as good looking, but low profile. Ye log na public mein masti nahi karte.